पवित्र आत्मा को इस जगह स्वागत करे। धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, जब हम आपकी उपस्थिति में, आपके भवन में, आपके लोगों के बीच संगति करने पाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन हमें ऐसा मौका मिला है जब हम आपको आराधना देने पा रहे हैं, जब आपकी स्तुति, जब हम आपकी महिमा करने पा रहे हैं। हम आप में और ज़्यादा आपको सीखने, आपको जानने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक आशीष के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं ओ पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारी ये आँख प्रभुष मसीह आपको देखते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे ये कान यीशु मसीह आपके वचनों में से सुनते हैं, आपके अद्भुत कार्यों को सुनते हैं, आपकी महिमा को सुनते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं अपनी जीभ के लिए, इस मुंह के लिए पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु हम आपको महिमा देने पाते हैं। वो आप ही है पिता, जो आप हमारे ओट के फलों के सृजनहार हैं, जिससे हम आपको महिमा देते हैं, जिससे हम आपकी बड़ाई करते हैं, जिसे हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू लॉर्ड, आपकी हर एक आशीष के जो आज हम जीवन में अनुभव कर रहे हैं, जो हम नहीं भी देख रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम विश्वास से हम उन बातों को अपने जीवन में देख पा रहे हैं। और इस समय पिता, हम हर एक लोगों का, हम अपना नियंत्रण, पूरे वर्शिप टीम का नियंत्रण, हर एक लोगों का नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु हम इस जगह आपको स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, कि हम आपकी अगुवाई में आज हम आपकी जय जयकार करें। आइए पवित्र आत्मा, कि प्रभु सचमुच प्रभु हम आपके साथ आनंदित हो जाए और आज हम आपको महिमा दें पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के। प्रेज द लॉर्ड, फिर से आप सभी का स्वागत है। अब तक हम लोग परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीखते रहे हैं। ऐसी बातों को हमने सीखा जो हमारे मसीही जीवन के लिए आवश्यक है। हमने सीखा कि कैसे हम परमेश्वर के साथ संबंध में हैं, हम उसके साथ नई वाचा के तहत संबंध में हैं, और जब हम नई वाचा के तहत उससे जुड़े हुए हैं तो हम किस प्रकार से अपने जीवन में उसकी आशीषों को देख सकते हैं। और मोटे तौर पर हमने उन सारी बातों को देखा जो हमारे जीवन से संबंध रखती हैं। और करते करते हम लोग पिछले सप्ताह तक पहुंचे। आज के दिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपको परमेश्वर के वचन की गहराई में जाने के लिए सहायता करेंगी, क्योंकि अब तक मैंने जो कुछ बताया है वो वचन में से लेकर आपको एक संदेश दिया है। मैंने आपको बताया कि बाइबल ये कहती है या बाइबल वो कहती है, नई वाचा का संदेश ये है, शिक्षा का सारांश ये है, और हमने उन बातों को सीखा। लेकिन मैंने साथ साथ में आपको ये भी कहा था कि मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया, सब कुछ बताना भी नहीं चाहिए लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप यहां पर इकट्ठे होते हैं बाइबल स्टडी के नाम पर, तो आप कुछ ऐसा करना सीख जाएं कि उसको आप जीवन भर करते रहें। आप जब यहां पर आते हैं, मैं यहां वचन की शिक्षा देता हूं, शिक्षा देने की सेवकाई मेरी है, तो शिक्षा देने की जो सेवकाई है उसका उद्देश्य कदापि नहीं है कि आप मुझ पर निर्भर हो जाएं या आप किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाए। जो शिक्षा देने की सेवकाई है उसका मूल उद्देश्य है वो यही है कि आप खुद पर निर्भर हो जाए, आप और आपका परमेश्वर, और उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम बच्चों को सिखाते हैं, जब वे छोटे रहते हैं हम उनको सिखाते हैं, और हम उसी रूप में सिखाते हैं कि एक दिन वे आत्मनिर्भर बन जाए, बल्कि वह दूसरे का सहारा बन सके। हम लोगों को स्कूल भेजते बच्चों को, और धीरे धीरे करके उनको पढ़ाते सिखाते हैं, उन सब के पीछे यही उद्देश्य है कि वे एक दिन आत्मनिर्भर बन जाए,
उसी प्रकार से जो शिक्षा हम लोगों ने यहाँ पर आरंभ की है उसका उद्देश्य है कि आप आत्मनिर्भर बन जाएं, आप स्वयं वचन से संदेश प्राप्त करना सीख जाएं। मैंने बहुत सारे संदेशों को बताया और मैं कह रहा हूँ मोटे तौर पर मैंने सारे संदेश बता दिए हैं जो आपको व्यवहारिक जीवन में जरूरत पड़ेगी। एक तरह से कह सकते मैंने आउटलाइन दे दिया है, प्रारूप दे दिया है, उसके भीतर की बातों को भरना वो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज मैं बाइबल से कुछ ऐसी बातों को बताना चाहता हूँ जिससे आपको बाइबल स्टडी करने में मदद मिलेगी, जैसे आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं तो आप प्रतिदिन उसके वचन में से कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। हम लोगों ने जब यहाँ पर शुरू किया था तो मैंने इस बात को बताया था कि हम बाइबल की व्याख्या कैसे करें, और तब मैंने इस बात को बताया था कि हम लोगों को उसको संदर्भ में पढ़ना चाहिए। जब तक हम उसके संदर्भ को नहीं समझते हैं तब हम बाइबल के अर्थ को नहीं समझते, उसमें लिखी हुई बातों को नहीं समझते, क्योंकि हम बीच में से कोई वाक्य निकाल सकते हैं फिर हम अनुमान लगाएंगे कि उसका क्या अर्थ होगा। लेकिन जब हम उसके संदर्भ को समझते हैं कि कौन सी घटनाएं हो रही थी, कौन लोग आपस में बातचीत कर रहे थे या क्या हो रहा था, उसके बीच में ये वाक्य लिखा गया है, तो जब हम उसको समझते हैं तो उसकी व्याख्या करना हमारे लिए सरल हो जाता है और हम लोग उसको सही सही समझ भी सकते हैं, क्योंकि तब हम जान सकते हैं कि जो वाक्य आ रहा था वो अय्यूब के मुंह से आ रहा था या फिर वो यहोशू के मुंह से आ रहा था या फिर शैतान बोल रहा था, क्योंकि शैतान ने भी कहा वो भी यहाँ पर लिखा है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए वो कौन बोल रहा था और किससे किस संदर्भ में बोल रहा था। जैसे हम लोग बिना संदर्भ के बात करें तो हम लोग शमूएल की पुस्तक से निकाल सकते हैं, जब भविष्यवक्ता नातान दाऊद के पास आता और कहता है कि जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर क्योंकि यहोवा तेरे साथ, तो कोई इसको सीधे सीधे अपने ऊपर लागू नहीं कर सकता है, जो कुछ तेरे मन में उसे जाकर कर, मतलब हमको मनमानी करने की छूट देती है बाइबल, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम संदर्भ को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दाऊद के मन में मंदिर बनाने का ख्याल आया, उसने सोचा मैं तो महल में रहता हूँ, परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है, क्यों ना उसके लिए एक मंदिर बनाया जाए। तब नातान नबी को परमेश्वर भेजता है और उसको कहा जाता है जो कुछ तेरे मन में उसे कर, तो उसके मन में क्या था, मंदिर बनाने की बात, उस बात के लिए परमेश्वर की ओर से सहमति दी जाती है, तो हम उसको कहीं भी लेकर किसी पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, उसको लेकर हम अपने आप पर तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते, हमको संदर्भ जानना चाहिए। तो उसी प्रकार बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, हर एक पुस्तक का कोई संदर्भ है, मैं आपको पुस्तकों का संदर्भ बताऊंगा, उसको आप नोट भी कर सकते हैं, और क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको नोट करने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यहाँ से जाने के बाद में इसका प्रसारण YouTube पर जरूर देखें और उसको रोक रोक करके अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मैं आपको उसका सारांश बता दूंगा कि जब आप किसी पुस्तक को पढ़ें तो आपको ध्यान में रहे कि वहां पर क्या हो रहा था और आप उसकी व्याख्या कर सके, आप उस बात को जान सके कि वहां पर कौन सी घटनाएं हो रही थी, क्या बातें चल रही थी और उस बीच में ये वाक्य लिखा हुआ है, तब हम उसका अर्थ जान सकते हैं। आमतौर पर जब कोई मेरे सामने कोई भी पद लेकर आए और कहे कि फलाने पुस्तक के फलाने अध्याय के फलाने पद में ये लिखा है, तो मेरा सवाल होगा कि उस अध्याय में क्या लिखा है, पद की बात छोड़िए, उस अध्याय में क्या लिखा है, फिर मेरा दूसरा सवाल होगा उस पुस्तक में क्या लिखा है, पुस्तक का संदेश क्या है। मान लिया कि आप कहते हैं इफिसियों की पत्री, तो मैं कहूंगा कि इफिसियों की पत्री का संदेश क्या है। आप कहेंगे यहोशू की पुस्तक, तो मैं कहूंगा उस पुस्तक का सारांश क्या है। आप उसमें से मत बताइए कि यहोशू और उसके तीसरे अध्याय उसके पांचवें पद में ऐसा ऐसा लिखा है इसलिए आपको ऐसा, नहीं मुझे बताइए कि यहोशू की पुस्तक में क्या लिखा है। यदि आप नहीं बता सकते यहोशू की पुस्तक में क्या है तो आप उसके तीसरे अध्याय के पांचवें पद के बारे में क्यों श्योर है कि वही है उसका, तो इसको आपको पुस्तक के संदर्भ का पता होना चाहिए। तो जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल को हम लोग जानते हैं दो भागों में बांटा गया है, एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। पुराना नियम यीशु मसीह के आने से पहले की पुस्तकों का संग्रह है और नया नियम यीशु मसीह के आने के बाद की पुस्तकों का संग्रह है। और नाम रख दिया गया पुराना और नया, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन जो पुराने नियम की पुस्तकें हैं 39 पुस्तकें, उन सारी पुस्तकों का जो सारांश है वो स्वयं यीशु मसीह। हम लोगों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए
हम लोगों ने पढ़ा भी है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया। तो वचन परमेश्वर था और वचन आया, तो अगर पहले भी वचन लिखा हुआ था, लिखित रूप में था, तो वो उसी वचन के विषय में लिखा हुआ था जो देहधारी होकर आया, अर्थात यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए ही पुराने नियम की पुस्तकों को लिखा गया। तो जब आप पढ़ें तो आप इतना ध्यान रखें कि वो पुस्तकें हमें यीशु मसीह के विषय बताने के लिए ही हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है। अब वहाँ पर हमें बहुत सारी कहानियाँ मिल सकती हैं, वहाँ पर हमें अब्राहम का वर्णन मिल सकता है, यूसुफ का वर्णन मिल सकता है, दानियल मिल सकता है, बहुत सारे भविष्यवक्ता हो सकते हैं। तो हमको लगेगा वहाँ पर यीशु मसीह कहाँ है, शायद भविष्यवाणी की गई है वहाँ पर यीशु मसीह है, लेकिन नहीं, जो कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि यीशु मसीह के विषय में एक दिन साफ साफ बताया जा सके। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक से आरंभ करते हैं, जो बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है, इब्रानी भाषा में उसको कहा जाता है बेरेशित, आदि में, जो उसका मूल अर्थ है, उसका अर्थ है आदि में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति की पुस्तक। तब ये जो उत्पत्ति की पुस्तक है, मूल रूप में जो इसका सारांश है वो ये है कि परमेश्वर आरंभ में प्रकट कर देता है कि उसने सारी सृष्टि को रचा और उसके ऊपर उसने मनुष्यों को अधिकार दिए, और मनुष्यों ने उस अधिकार को पाप करने की वजह से खो दिया, और खो देने के कारण इस संसार में मृत्यु आ गई, इस संसार में शैतान घुस गया, इस संसार में श्राप आ गया और सब प्रकार की विपत्ति आ गई। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, और उसके बाद बीच बीच में हम लोगों को परमेश्वर का हस्तक्षेप उसमें दिखाई देगा, जहां परमेश्वर उनके साथ मुलाकात करता है, लोगों के साथ मुलाकात करता है, और उनको ये प्रतिज्ञा देता है कि आने वाले समय में एक व्यक्ति आएगा। जैसे जब हवा से बातचीत होती है तो वहां पर कहा जाता है कि जो स्त्री का वंश होगा वो सांप के सिर को कुचलेगा, तो वहीं पर प्रतिज्ञा आ जाती है कि एक समय होगा जब इस स्त्री के वंश से एक व्यक्ति आएगा जो शैतान के सिर को कुचल देगा, वहीं पर प्रतिज्ञा शुरू हो जाती है और कहानी आगे चलती चली जाती है। और हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि जो शैतान था वो स्त्री के वंश को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ परमेश्वर उसको सुरक्षित करने की कोशिश करता है ताकि उसमें से एक दिन मसीह का जन्म हो सके। तो मसीह का जन्म होने पाए इसके लिए वो एक व्यक्ति को चुनता है जिसका नाम है अब्राहम। अब ये जो अब्राहम नामक व्यक्ति है, बाइबल कहती है कि वो इसलिए नहीं चुना गया कि वो बहुत और लोगों में बहुत श्रेष्ठ था या बहुत अच्छा था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, उसने उसको चुना। और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय से आगे पूरे आखिरी तक अब्राहम के परिवार का वर्णन है, ठीक है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में सृष्टि का वर्णन होगा, तीसरे अध्याय में मनुष्यों के पाप करने का वर्णन होगा, और उसके चौथे पांचवें अध्याय में हम लोगों को आदम के जो वंशावली है उसके दो पुत्र मुख्य रूप से हुए, एक था कैन, हाबिल जो मर गया उसके बदले शेत, तो कैन के वंशज और शेत के वंशज, इनका वर्णन हम लोगों को अध्याय 4 और अध्याय 5 में मिलेगा। और उसके बाद अध्याय 6 में हमें यह मिलेगा कि जब शैतान ने मनुष्यों को करप्ट करने की कोशिश की, वहां पर दानव उत्पन्न होते थे ऐसा लिखा है, करप्ट करने की कोशिश की, तब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सब कुछ को नष्ट कर दिया, और जो शेत के वंश में से नूह था उसके परिवार को बचा लिया। जल प्रलय होता है और उसके बाद फिर सृष्टि फिर से शुरू हो जाती है नूह के द्वारा, और नूह के परिवार आगे चले जाते हैं, और उसी के परिवार में से अब्राहम आता है आगे चलकर, और अध्याय 12 से लेकर अध्याय 50 तक अब्राहम के पूरे परिवार का वर्णन। और अब्राहम वहां पर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से मिलता है और उसको प्रतिज्ञा देता है कि तुम्हारे कारण भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। अब अब्राहम के भी ढेर सारे संतान उत्पन्न होते हैं, हम लोग दो बेटों का नाम जानते हैं, एक का नाम था इश्माइल और एक का नाम इसहाक। इसहाक प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा, इश्माइल शारीरिक रीति से जन्मा। और बाइबल कहते हैं कि सिर्फ यही दो बेटे नहीं थे, अब्राहम के और भी बेटे बेटियां हुए दूसरे जगहों पर, हम लोग उनका नाम नहीं पाते। तो हम लोग परमेश्वर के काम करने की रीति को देख पाएंगे कि
कि परमेश्वर ऐसा नहीं कि शारीरिक वंशज है तो सारे शारीरिक वंशजों को ले रहा है, इस्माइल को छोड़ता है, वो इसहाक को लेता है जो प्रतिज्ञा के अनुसार। इसहाक के भी दो बेटे होते हैं, एसाव और याकूब। उसमें से एसाव छोड़ दिया जाता है, याकूब ले लिया जाता है। फिर याकूब के 12 बेटे होते हैं, उनको सबको ले लिया जाता है। और उनके जो वंशज होते हैं उनको इसराइली नाम दिया जाता है बाद में। और उनकी पूरी कहानी आगे चलती चली जाती है। तो पूरी पुराने नियम की पुस्तकें जो है अब्राहम के वंश पर निर्भर, उनकी वंशावली का वर्णन मिलेगा, उनके बारे में लिखा हुआ मिलेगा, उनकी कहानी मिलेगी, उनका इतिहास मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि जो स्त्री का वंश होगा वो सांप के सिर को कुचल डालेगा। उस स्त्री के वंश में से, क्योंकि संसार में मनुष्य तो बहुत उत्पन्न हुए, लेकिन परमेश्वर देखा कि बाकी लोगों को शैतान डिस्टर्ब करें, तो क्यों ना एक वंश को ठहरा दिया जाए जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लूंगा, जिनके साथ मैं किसी रीति से वाचा बांधूंगा और मैं सुरक्षा लूंगा, और एक दिन उस वंश में से यीशु मसीह आ सकता है। तो इसलिए अब्राहम के वंश को सुरक्षित रखा जाता है, उनको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तरीका बताया जाता है, और बाइबल की पुस्तकें आगे बढ़ने लगती है। और आखिरकार एक दिन जब यीशु मसीह आ जाता है, पुराने नियम की पुस्तकें कंप्लीट हो जाती है। उत्पत्ति की पुस्तक को हम लोग इसी प्रकार से कह सकते हैं, हम लोग उसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है जिसमें सृष्टि और मनुष्य जाति का आरंभ है, जिसमें हम लोग सृष्टि से लेकर नूह के समय की कहानी तक पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दूसरे भाग में हम लोग नूह को परमेश्वर चुनता है और जल प्रलय, इसके विषय में बातें कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरे भाग में अब्राहम और उसका परिवार। 3 भाग है, सृष्टि की कहानी नूह के समय तक, और उसके बाद नूह का चुनाव और जल प्रलय, और तीसरा भाग अब्राहम का चुनाव और उसका परिवार। और इन सब के माध्यम से परमेश्वर इस संसार में मसीह को लाना चाहता था। तो अब कहानी केंद्रित हो जाती है अब्राहम के परिवार के चारों तरफ। उसके परिवार में क्या हो रहा है, वे लोग क्या कर रहे हैं, जो याकूब के 12 बेटे हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, यूसुफ को बेच दिया, मिस्र में जाकर गुलाम हो गए, वगैरह वगैरह कहानी चलती। अब ये परिवार कनान से जाकर मिस्र में बस जाते हैं एक दिन, और वहां जाकर गुलाम हो जाते हैं। और जब गुलाम हो जाते हैं तो इतनी भारी गुलामी में पड़ जाते हैं कि वे परमेश्वर की दुहाई देते हैं। ये वही वंश है जिसको परमेश्वर ने चुना है, ये वही लोग हैं जो मसीह को एक दिन उत्पन्न करेंगे। लेकिन जब वे लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं, संसार में अपनी दृष्टि लगाकर रखते हैं, तब वे गुलामी में पड़ जाते हैं, वे दुहाई देते हैं, और तब परमेश्वर एक छुड़ाने वाले को भेजता है। लेकिन पुराने नियम में बार बार हम लोगों को कुछ ऐसे बातें मिलेंगी जो मसीह की तरफ इशारा करेंगी, जैसे यहाँ पर ये गुलाम है और तब उनको जरूरत पड़ रही है छुड़ाने वाले की, अब उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर ने मूसा को भेजा। तो ये जो मूसा हुआ वो मसीह का प्रतीक हो गया, कि एक समय में इसी रीति से परमेश्वर मसीह को भेजेगा जो लोगों को पाप की गुलामी से छुटकारा देगा। इस प्रकार बहुत सारे प्रतीक चिन्ह वहां पर आते रहेंगे, कभी जानवर के रूप में होंगे, कभी कोई मनुष्य के रूप में होगा, कभी कोई घटना के रूप में होगी। तो वो सब मसीह की तरफ इशारा करते हैं। उसके पहले जो घटना थी उत्पत्ति में वो ये थी कि सारे संसार में अकाल पड़ गया, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में रखा प्रधानमंत्री बना करके, और उसने अपने भाइयों को बचा लिया। तो वो यूसुफ यीशु मसीह का प्रतीक बन जाता है, कि किस प्रकार उसने बेच दिए जाने के बावजूद विश्वास योग्यता से अपने लोगों को बचाया। तो वो यीशु मसीह का प्रतीक बन जाता है। उसी प्रकार आप जब भी इस प्रकार के व्यक्ति को देखें जो एक हीरो जैसा काम करता है, एक बचाने वाले के जैसे काम करता है, तब वो यीशु मसीह का प्रतीक है। तो उत्पत्ति की पुस्तक यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आपको दूसरी पुस्तक मिलेगी, निर्गमन की पुस्तक। निर्गमन की पुस्तक में कहानी क्या है, ये गुलाम हो करके मिस्र में इजरायली ने दुहाई दी और परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा, और आखिरकार मूसा उन लोगों को ले करके मिस्र से निकलता है, और मिस्र से बाहर निकल करके वे लोग सिनाई के पहाड़ के पास में चले जाते हैं। फिर उस पहाड़ के इर्द गिर्द जितनी घटनाएं होती हैं उन सारी घटनाओं को निर्गमन की पुस्तक में नोट किया गया है। तो हम लोग निर्गमन की पुस्तक को भी 3 भाग में बांट करके देख सकते हैं। पहले भाग में हम लोग ये पाएंगे कि इजरायली मिस्र में गुलाम अवस्था में है, ठीक है, पहले अध्याय से लेकर अध्याय 12 तक, 12 के 30 तक। और जो दूसरा भाग है
उसमें हम इसराइलियों को पाएंगे कि वे लोग मिस्र से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके वे जंगल में पहुंचते हैं या निर्जन प्रदेश में पहुंचते हैं। हिंदी बाइबल में जंगल शब्द इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश में डेजर्ट लिखा हुआ मिलेगा, मरुभूमि, मतलब ऐसा स्थान जहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता। तो पहले भाग में इसराइली मिस्र में है फिर वहां से निकलते हैं, दूसरे भाग में अध्याय 12 के 31 से स्टार्ट होगा, 18वें अध्याय तक वे इसराइली जंगल में भटक रहे हैं, लाल समुद्र वगैरह पार कर रहे हैं और करके वे सिनाई के पहाड़ के पास में आते हैं। और तीसरे भाग में अध्याय 19 से लेकर आखिरी तक 40 तक इसराइली सिनाई के पहाड़ के आसपास में रहते हैं, जहां परमेश्वर उनको 10 आज्ञाएं देता है, उनको बहुत सारी व्यवस्थाएं देता है, बहुत सारे नियम देता है और उनको बताता है कि तुम मेरी उपासना किस रीति से करो, तुम किस रीति से मिलाप वाला तंबू बनाओगे और मेरी उपासना करने के लिए आओगे और बहुत सारे बलिदानों के विषय में भी वो चर्चा करता है। निर्गमन की पुस्तक सीधे सीधे चलती है, ठीक है, कोई फ्लैशबैक नहीं है, कहानी स्टार्ट होती है और सीधे आगे की तरफ चलती चली जाती, पीछे मुड़कर नहीं देखते उसमें। गुलाम थे, छुटकारा देने वाला आया और उनको मिस्र से निकाल कर ले गया जंगल में, जंगल से पार होकर के लोग पहुंचे सिनाई में और सिनाई में परमेश्वर ने उनके साथ मुलाकात की और बहुत सारी बातों को दिया, व्यवस्था को दिया, मूल रूप हम कह सकते हैं। और कहानी इसी के इर्द गिर्द चलती है और समाप्त हो जाती है। और अगर हम लोग वहां पर यीशु मसीह के प्रतिबिंब को देखना चाहेंगे निर्गमन की पुस्तक में, तो हम लोग ये पाएंगे कि वहां पर मूसा है जो इसराइलियों का छुड़ाने वाला हुआ, जो यीशु मसीह का प्रतिबिंब है। उसी निर्गमन की पुस्तक में मूसा का भाई हारून है जो महायाजक बनाया जाता है और महायाजक भी यीशु मसीह का प्रतिबिंब है क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह मलकीसेदेक की रीति पर महायाजक है। उसी प्रकार हसा का मेमना जो बलिदान किया गया था, जब बलिदान करने के बाद वे लोग मिस्र से निकले थे, वो हसा का मेमना यीशु मसीह का प्रतिबिंब है। और उसी प्रकार जो मन्ना उन्होंने जंगल में खाया था वो यीशु मसीह का प्रतिरूप है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया और मर गए, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं। और जो पानी चट्टान से निकला था वो पानी भी मसीह का प्रतीक है क्योंकि यीशु मसीह के विषय में 1 कुरिन्थियों 10:4 में लिखा था कि वह चट्टान मसीह था। तो जब भी आप पुस्तकों को पढ़ें, कहानी किस प्रकार चल रही है उसको ध्यान में रखें और वहां से ढूंढने की कोशिश करें कि वहां पर मसीह का प्रतीक कौन है। और जब भी पुराने नियम की पुस्तक पढ़े तो एक चीज ध्यान में रखें, अभी व्यवस्था यहाँ पर आ गई, वाचा बांध दी गई, तो पुराने नियम की जितनी पुस्तकें हैं वो वाचा बांधने से पहले की जो है उसको छोड़कर, वाचा बांधने के बाद सिनाई के पहाड़ की वाचा बांधने के बाद वो पुरानी वाचा पर आधारित है। और जो पुरानी वाचा है वो आज्ञाकारिता पर आशीष देती है और आज्ञा उल्लंघन पर दंड देती है। तो कहानी उसी प्रकार चलती रही, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप सीधे सीधे उसको पढ़कर अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग पुरानी वाचा में नहीं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से उनके साथ में डील किया था, इसराइलियों के साथ किस रीति से डील किया था कि वे अपने बलबूते से परमेश्वर के पास में आते थे, परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरते थे तो परमेश्वर आशीष देता था और नहीं तो परमेश्वर श्राप देता था। और बहुत भयानक और कठिन जिंदगी उन्होंने बिताई और हम लोग वहां देख करके धन्यवाद कर सकते हैं कि कम से कम हम उस भयानक वाचा में नहीं, हम लोग यीशु मसीह वाली वाचा में जो आशीषों की वाचा है, जहां पर प्रतिज्ञाओं पर हम खड़े हम धन्यवाद कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ये सारे लोग यीशु मसीह को लाने के लिए मानो मर ही गए, है ना, वे चुने हुए वंश थे जो मसीह को लाने के लिए ठहराए गए थे, लेकिन पुरानी वाचा के तहत मानो उनका सत्यानाश ही हो गया क्योंकि वे कभी भी परमेश्वर के सामने ढंग से नहीं रह पाए थे। तो वो बातें आप ध्यान में रखें। अब उसके बाद जो तीसरी पुस्तक होगी बाइबल की, तीसरी पुस्तक वो है लैब व्यवस्था। और जो लैब व्यवस्था की पुस्तक है उसमें लेवियों से संबंधित नियम है। लेवी वो गोत्र है, याकूब के 12 बेटों में से वो गोत्र है जिसको परमेश्वर ने अपने निवास स्थान के सेवकाई के लिए चुना है, ठीक है, वे लोग जो मिलाप वाला तंबू है वहां की सेवकाई कर सकते हैं। लेवी के वंश में से जो हारून है वो याजक का काम कर सकता है और हारून के गोत्र में से जितने हैं वे लोग याजक का काम कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ नियम दिए गए कि मान लिया कि कोई इजरायली पाप करता है तो ये लोग क्या करेंगे, बलिदान किस रीति से चढ़ाया जाना चाहिए,
तो जो सबत का दिन होगा वो किस रीति से मनाया जाना चाहिए, अगर पर्व है तो उसको किस रीति से मनाया जाना चाहिए। तो हम इसको इस प्रकार से सोच सकते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को मिस्र से निकाल कर ले जा रहा था कनान, कि जब वे उस कनान में पहुंचेंगे तो कौन से नियम कानून को मान करके वहां पर रहेंगे, और मान लिया वे चूक जाते हैं तो किस रीति से परमेश्वर के साथ उनका फिर से संबंध स्थापित हो सकता है। इन्हीं बातों को बताने के लिए लय व्यवस्था की पुस्तक लिखी गई, और इसको भी हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहले भाग पहला अध्याय से लेकर अध्याय 17 तक, जहां पर हम कह सकते हैं कि पवित्र परमेश्वर की आराधना हम किस रीति से करें उसका वर्णन दिया गया है, मतलब पुराने नियम के लोगों के लिए। और फिर दूसरा भाग जो है वो अध्याय 18 से लेकर अध्याय 27 तक है, अध्याय 18 से लेकर अध्याय 27 तक, और इसमें ये बताया गया है कि जो इजरायली लोग हैं वो किस रीति से पवित्र जीवन को बिता सकते हैं। दो भाग हैं, सिंपल है। पहला भाग कि हम पवित्र परमेश्वर की आराधना कैसे करें, मतलब इजरायली लोग, और दूसरा भाग कि लोग पवित्र जीवन कैसे बिताएं, कौन से नियमों को मानकर, कौन से शर्तों को मानकर वे पवित्र जीवन बिता सकते हैं। और यहाँ पर भी मसीह के प्रतिबिंब हमको दिखाई देंगे, वहां पर बहुत सारे बलिदानों की चर्चा होगी, जितने बलिदान है सारे के सारे मसीह के प्रतिबिंब। और वहां पर एक पर्व माना जाता था प्रायश्चित का दिन, सातवें महीने के दसवें दिन को, वो जो प्रायश्चित का दिन था उस दिन दो मेमने लिए जाते थे या दो बकरे, उसमें से एक का बलिदान कर दिया जाता था और एक को जंगल में छोड़ दिया जाता था। और जो जंगल में छोड़ दिया जाता था उसके बारे में कहा जाता था कि वो इसराइलियों का पाप उठा ले गया, और जो बलिदान हो गया जिसको बलिदान कर दिया जाता था उसको जला करके उसकी राख को पानी में रखते थे और लोगों को शुद्ध करने के लिए उसको छिड़कते थे। वे दोनों बकरे यीशु मसीह का प्रतिरूप है। जब यीशु मसीह आए तो यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इसराइलियों को मालूम हो गया कि ये वही अजाजेल का बकरा है, इब्रानी में अजाजेल कहते थे, जिस बकरे के ऊपर पाप लाद दिया जाता था और जंगल में छोड़ दिया जाता था, दूसरा बकरा जो बलिदान होता था। दोनों ही यीशु मसीह के प्रतिरूप हैं। और उसी प्रकार उसमें महायाजक है, उसमें प्रायश्चित का लहू है, और उसमें भूमि छुड़ाने वाले कुटुंबी का वर्णन है। ये सब मसीह का प्रतीक है। और भी बातें हैं जिसको आप पढ़ते पढ़ते देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चौथी पुस्तक में आते हैं जो कि गिनती के नाम से हम लोगों को मिलेगी, इब्रानी भाषा में उसको कहा जाता है बेमिदबार। बेमिदबार का मूल अर्थ होता है जंगल में, क्योंकि इजरायली मिस्र से निकले थे और कनान में पहुंचने में उनको सालों लग गए, 41 साल लग गए थे कनान में प्रवेश करने। तो बीच के इन सालों के दरमियान में जंगल में भटकते रहे। तो जंगल में भटकने के दरमियान उनके साथ में क्या हुआ उसको इस पुस्तक में लिखा गया, और दो बार उनकी जनगणना हुई, इसीलिए हम लोग उसको गिनती के नाम से जानते हैं। लेकिन मूल जो नाम था पुस्तक का नाम वो था जंगल में। तो हम लोग इस पुस्तक को चार भागों में बांट करके देख सकते हैं। पहला भाग पहले अध्याय से लेकर दसवें अध्याय के दसवें पद तक होगा, जिसमें यात्रा की तैयारी का वर्णन है कि इजरायली यात्रा के लिए निकलते हैं और उस दरमियान उनकी पहली जनगणना होती है, और लेवियों का काम किस प्रकार से होगा। जब यात्रा होगी तो जो लेवियों के वंश में से मरारी है, कहाती है वगैरह वगैरह है, तो वो लोग तंबू का कौन कौन सा सामान उठाकर चलेंगे उनका वर्णन मिलेगा, और फिर जो छावनी वहाँ पर रहेगी छावनी किस प्रकार से शुद्ध रखना है, और जो यात्रा वे लोग कर रहे हैं उस यात्रा से संबंधित जो निर्देश है उसको वहाँ पर लिखा गया। तो हम लोग पहले भाग में कह सकते हैं यात्रा की तैयारी, पहले अध्याय से लेकर दसवें अध्याय के दसवें पद तक। दूसरे भाग में दसवां अध्याय के ग्यारहवें पद से लेकर चौदहवें अध्याय तक हम लोग जा सकते हैं, और इसमें ये लोग प्रस्थान करते हैं। पहले तो यात्रा की तैयारी करते हैं जहाँ उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि यात्रा कैसे करनी है, फिर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो पहला प्रस्थान या पहली बार वे कूच करते हैं उसका वर्णन दसवें अध्याय के ग्यारहवें पद से लेकर अध्याय 14 तक मिलेगा, और उस बीच में हम लोगों को ये भी वर्णन मिलेगा कि उन्होंने 12 जासूसों को भेजा, जासूसी करवाई, वो देश वैसा ही है कि नहीं, और फिर वे अविश्वास में पड़ गए और परमेश्वर ने कहा अब तुमको 40 साल इधर ही भटकना होगा। ये दूसरे भाग में। तीसरे भाग में अध्याय 15 से लेकर अध्याय 21 तक
कि जब परमेश्वर ने कह दिया कि तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया इसलिए 40 साल इधर ही भटकोगे, तो अध्याय 15 से लेकर अध्याय 21 तक वे लोग जंगल में भटकते रहे, उसका वर्णन हम लोगों को मिलेगा। और उसके बाद जो चौथा भाग है उसमें हम लोग ये पाएंगे अध्याय 22 से लेकर अध्याय 36 तक कि वे कनान की तरफ दूसरी बार प्रस्थान करते हैं। पहली बार जब उन्होंने प्रस्थान किया था तब वे चूक गए, नहीं प्रवेश कर पाए, 40 साल भटकते रहे। तब दूसरी बार उन्होंने प्रवेश किया अध्याय 22 से लेकर अध्याय 36 आखिरी तक, और इसी दरमियान उनकी दूसरी जनगणना भी होती है और कुछ लोग यरदन के पूर्व में बस जाते हैं, उसका वर्णन गिनती की पुस्तक में मिलेगा। और इसके बाद हम लोग बाइबल की पांचवी पुस्तक में आएंगे जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक। और ये जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है इसको भी हम लोग चार भाग में बांटते हैं, लेकिन मूल रूप में व्यवस्था विवरण की पुस्तक जो है वो तब लिखी गई जब ये लोग जंगल में भटक कर 40 साल बिता चुके हैं। 40 साल बीत चुके हैं, मूसा मरने के कगार पर पहुंच गया है, परमेश्वर ने कह दिया था तुम लोग इधर ही मरोगे, बहुत सारे लोग उधर ही मर गए, उसने मूसा से कह दिया था कि तुम भी नहीं प्रवेश करोगे कनान में, वो नहीं प्रवेश करने वाला था, और जंगल में दूसरी पीढ़ी पैदा हो चुकी थी और ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी मिस्र में समय नहीं बिताया था, जंगल में पैदा हुए थे, जिन्होंने कभी लाल समुद्र के बीच में से यात्रा नहीं की थी, जिन्होंने बहुत सारी समस्याओं को नहीं देखा, बहुत सारी बातों को नहीं देखा, और तो पुरानी बातों से वे अनजान है। अब मूसा के सामने स्थिति है, परमेश्वर उसको कह रहा है कि तुम उनको मिस्र से लेकर कनान में पहुंचाओगे, मूसा अभी तक नहीं पहुंचा पाया है, उसके पहले उन्होंने एक बार प्रयास किया गिनती की पुस्तक में लेकिन असफल रहे, जिसके नतीजे के कारण वे लोग 40 साल तक वहां भटक रहे। अब दूसरी बार वे लोग प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब मूसा उन सारे इसराइलियों को इकट्ठा करता है और उन सबको बहुत लंबा उपदेश देता है, बहुत लंबा उपदेश देता है। तो मूसा के तीन प्रवचन पाए जाते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, जो उसके तीन भाग, हम लोग चार भाग में से तीन भाग होंगे, वो मूसा के उपदेश हैं जो उसने इसराइलियों को इकट्ठा करके उपदेश दिए, उनको ये बताया कि देखो हमने क्या गलती की और हम नहीं प्रवेश कर पाए, तो तुम लोग क्या करोगे ताकि तुम प्रवेश कर सको, इसी अर्थ का संदेश वो वहां पर देता है। तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में कई बातों को रिपीट भी करता है, जो पुरानी बातें थी उनको रिपीट करता है, और इसलिए पुस्तक का नाम है व्यवस्था विवरण, जो उसका शाब्दिक अर्थ है, हिंदी में नहीं इब्रानी में, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है दूसरी बार व्यवस्था बताया जाना, क्योंकि व्यवस्था को ही रिपीट किया जा रहा है। तो उसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, पहला भाग पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय के 43 पद तक, 43 तक, जिसमें मूसा का पहला उपदेश पाया जाता है, पहला प्रवचन पाया जाता है, जिसमें मूसा लोगों को बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। फिर उसका दूसरा भाग जिसमें मूसा का दूसरा उपदेश पाया जाता है, और ये चौथे अध्याय के पद 44 से स्टार्ट होकर 28वें अध्याय तक चला जाता है, चौथे अध्याय के पद 44 से स्टार्ट होकर 28वें अध्याय तक चला जाता है। ये बहुत लंबा उपदेश है, सोचिए आप जब पुस्तक को पढ़ रहे हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, मान लिया आप 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मान लिया आप 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मान लिया आप 20वां अध्याय पढ़ रहे हैं या 28वां पढ़ रहे हैं, तो आपको दिमाग में होना चाहिए ये सारी बातें मूसा ने एक ही उपदेश के दरमियान कही है। ठीक है, चौथे अध्याय के 44 से स्टार्ट हुआ है और लगातार 28वां अध्याय तक उपदेश दे रहा है, वो एक ही प्रवचन का हिस्सा है। तो जब कभी आप उसको पढ़े आपको ये ख्याल रहना चाहिए, और उस प्रवचन में या उस उपदेश में मूसा उनको भक्तिपूर्ण जीवन के सिद्धांत उनको बताता है कि हम परमेश्वर के साथ संबंधों में चले तो किस प्रकार से चल सकते हैं, पुरानी वाचकता है। ये दूसरा भाग था। अब जो तीसरा भाग है उसमें मूसा तीसरी बार उनको उपदेश देता है, ये हमको मिलेगा अध्याय 29 से लेकर अध्याय 30 तक। मूसा तीसरी बार उनको उपदेश देता है, मूसा बार बार उपदेश देकर के उनको तैयार करता है कि इस बार तुम लोग चूकने नहीं पाओ, परमेश्वर ने तो मुझे कह दिया कि तुम नहीं जा पाओगे, मैं तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन कम से कम तुम लोग जाओ और कनान में प्रवेश करो। और मूसा के उपदेश समाप्त हो जाते हैं। फिर चौथा भाग हम लोग उस पुस्तक में कह सकते हैं जो अध्याय 31 से लेकर अध्याय 34 तक है, जहां पर मूसा के अंतिम दिनों का वर्णन है कि मूसा को परमेश्वर पहाड़ में बुलाता है और वहां से कनान की सीमा कि उस पार को देखता है, पहाड़ पर मर जाता है,
और अध्याय 34 में मूसा की जगह पर दूसरा लीडर यहोशू खड़ा कर दिया जाता है। ये मोटे तौर पर व्यवस्था विवरण की पुस्तक। तो ये जो पांच पुस्तकें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लैव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये पांच पुस्तकें, पारंपरिक रूप से ये माना जाता है कि इनका लेखक मूसा है। इनका लेखक मूसा है। मूसा को परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को बताया था पहाड़ पर बुलाकर, उस दरमियान उसने बातों को लिखा। जैसे उत्पत्ति का जो समाचार हमें मिलता है, पहला दिन ये हुआ, दूसरा दिन ये हुआ, तो कोई कह सकता है कि कौन देख रहा था तब, है ना, उसने नोट किया कि पहला दिन ये सृष्टि है, दूसरा दिन वो। नहीं, सृष्टि करने के बाद में परमेश्वर ने बता दिया मूसा को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तुम लिख लो। और उसके बाद बहुत सारी व्यवस्थाओं, विधियों को दिया गया था, वो सब कुछ मूसा ने वहां पर लिखा, जैसे लैव्य व्यवस्था। उसके अलावा जंगल में चलते चलते उनके साथ में क्या हुआ, उन सारी बातों को भी उसमें लिख दिया। तो ये पांचों पुस्तकों का लेखक मूसा है, और इसको पेंटाट्यूक कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहते पंच ग्रंथ, इब्रानी में कहते तोरा, व्यवस्था या व्यवस्था की पुस्तकें, इन पांच पुस्तकों को कहा जाता है। तो जब भी व्यवस्था शब्द आता है तो मूल रूप में उसका अर्थ इन पांच पुस्तकों से है, जहां परमेश्वर ने उनको सिनाई पर नियम कानून दिए, उनको कहा कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो ये आशीष मिलेगी, ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो ये श्राप मिलेगा। तो वो सारी बातों को हम व्यवस्था कहते हैं। फिर भी व्यवस्था में सिर्फ उतनी बातें नहीं आती, पूरी उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक की जितनी बातें हैं सब व्यवस्था की पुस्तकें। अब इसके बाद, क्योंकि अब लीडर चेंज हो गया, व्यवस्था विवरण की पुस्तक के आखिरी में मूसा मर गया है, अब उसके जगह यहोशू खड़ा कर दिया गया, तो अगली पुस्तक जो आती है वो है यहोशू की पुस्तक। और जो यहोशू की पुस्तक है वो बहुत शानदार पुस्तक है। व्यवस्था विवरण तक की जो पुस्तक है उसमें कहीं कहीं सफलता मिलेगी, कहीं कहीं असफलता मिलेगी, लेकिन जो यहोशू की पुस्तक है वो कमाल की पुस्तक है। विजय से शुरू होती है, विजय में समाप्त होती है, क्योंकि अब मूसा हार गया, मूसा लोगों को कनान में प्रवेश नहीं करा पाया, अब जिम्मेदारी यहोशू को दी गई है। और यहोशू की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहोशू ने उन सबको कनान में प्रवेश कराया। और जो यहोशू शब्द का अर्थ है वो ये है कि परमेश्वर उद्धार करता है। यहां तक कि जो इब्रानी भाषा में यीशु के लिए यहोशू शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है, लोग कहते हैं यीशुआ भी थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन ओरिजिनली जोशुआ कहते हैं यहोशू को इंग्लिश में। तो यहोशू जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक है, कि मूसा तो उनको प्रवेश नहीं करा सका लेकिन यहोशू प्रवेश करा सका। उसी प्रकार यीशु मसीह हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है। तो यीशु मसीह का प्रतीक बन जाता है यहोशू। और यहोशू की पुस्तक को भी हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। उसके पहले भाग में, पहले अध्याय से लेकर अध्याय 5 के पद 12 तक हम जा सकते हैं, जहां पर जो कनान का देश था, प्रतिज्ञात देश है, उसमें वे प्रवेश करते हैं, यरदन पार करके वहां प्रवेश करते हैं, उसका वर्णन है। दूसरे भाग में 5वें अध्याय के पद 13 से लेकर अध्याय 12 तक चले जाते हैं, और इसमें वे एक एक करके उस देश के अलग अलग भागों को जीतते चले जाते हैं, उसका वर्णन। उन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया, उस क्षेत्र को जीत लिया, उन्होंने दक्षिण को जीता, उन्होंने उत्तर को जीता, उन्होंने इस स्थान को जीता, उसका वर्णन आपको मिलेगा 5वें अध्याय का 13 से अध्याय 12 तक। तो जब भी आप उसको पढ़ें तो आप पाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने उस प्रतिज्ञात देश पर विजय हासिल की। और उस पर जब विजय हासिल कर ली तो आप इस समस्या को समझिए कि वहां पर 12 गोत्र के लोग हैं, लड़ने के लिए गए तो सब गए हैं 17। अब वहां पर उनको अलग अलग बसना है, तो गोत्र गोत्र के हिसाब से उनका बंटवारा किया जाता है, जिसको हम लोग तीसरे भाग में डाल सकते हैं अध्याय 13 से लेकर अध्याय 22 तक, जिसमें उनको बंटवारा कर दिया जाता है कि दान के गोत्र वाले इधर बसेंगे, आशेर के गोत्र वाले, रूबेन के गोत्र वाले वगैरह वगैरह, वे लोग किस किस एरिया में होंगे उसको डिवाइड किया जाता है अध्याय 13 से लेकर अध्याय 22 तक। और उसके बाद अध्याय 23 और जो 24 है उसको हम लोग चौथे भाग में रख सकते हैं, जिसमें उस देश में अभी बस गए हैं, उस देश में तुम जब बसे हुए हो तो किस रीति से अपना जीवन बिताओ, उसके विषय में यहोशू निर्देश देता है, क्योंकि यहोशू भी अब बूढ़ा हो गया, ठीक है, इतना दिन
उनको देश दिलाने में लग गया कि यहोशू भी बूढ़ा हो गया, अब वो भी मरने पर है। लेकिन मरने से पहले वो इंस्ट्रक्शन देता है कि जो देश तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा के रूप में परमेश्वर ने कहा था तुम उसमें आ गए, अब तुम इसमें बने रह सकते हो अगर तुम ऐसा करोगे। तो हम लोग इसको इस प्रकार से सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कोई प्रतिज्ञा करता है और प्रतिज्ञा तक पहुंचने के दरमियान हमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे इसराइलियों को सामना करना पड़ा, कनान में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वहां से सबक लेकर उन्होंने प्रवेश किया। तो हम उसी प्रकार सबक लेकर प्रतिज्ञाओं को अपने कब्जे में ले सकते हैं, और अगर हम प्रतिज्ञाओं को अपने कब्जे में ले सकते हैं तो उस पर बने रहने के लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रतिज्ञाओं पर हम खड़े हो गए और लापरवाह हो गए और छिन गया, क्योंकि इसराइलियों के हाथ से वो छिन गया। तो हम लोग इसको इस रूप में भी सीख सकते हैं, प्रतिज्ञाओं पर जब तक हम लोग हावी नहीं हुए हैं जो हमारे लिए की गई है, तब तक हमारे सामने कुछ संघर्ष की तरह परिस्थिति हो सकती है। हम लोग उसको विजय हासिल करके पार करते हैं, प्रतिज्ञाओं को अपने वश में करते हैं। तो प्रतिज्ञाओं को अपने वश में करने के जितने सिद्धांत होंगे वो आपको निर्गमन, लाभ्यवस्था, गिनति, मुख्य रूप से गिनति व्यवस्था विवरण में मिलेंगे और यहोशू की पुस्तक मिलेंगे। और कैसे उस देश में बने रह सकते हैं या उस प्रतिज्ञा में हम हावी बने रह सकते हैं, उसका सिद्धांत हमको लाभ्यवस्था में मिलेगा और यहोशू की पुस्तक में मिलेगा। तो जो यहोशू की पुस्तक है विजय के साथ शुरू होती है, विजय के साथ समाप्त होती है। लेकिन यहोशू ने एक बहुत बड़ी चूक की थी जिसका नतीजा इसराइलियों को भुगतना पड़ा। मूसा ने वो चूक नहीं की थी। मूसा ने क्या किया था, मूसा ने अपने मरने से पहले सक्सेसर तैयार कर दिया था, मतलब मेरे मरने के बाद कौन लीडर होगा उसका तैयार कर दिया। यहोशू ने ये नहीं किया कि मेरे मरने के बाद कौन लीडर होगा, जिसका नतीजा हुआ यहोशू के बाद न्यायों की पुस्तक आती है और न्यायों की पुस्तक में बार बार लिखा हुआ मिलेगा उन दिनों में इसराइल का कोई राजा नहीं था जिसको जो समझ में आता था वही करता था, और जब जिनको जो समझ में आता था वही करता था तो परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते थे और बार बार गुलामी में चले जाते थे। तो हम लोग आते हैं न्यायों की पुस्तक में। न्यायों की पुस्तक, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ये क्या है, और मूल रूप से यही है कि न्यायों की पुस्तक में इसराइलियों का कोई लीडर नहीं यहोशू के बाद। हम लोग इस पुस्तक को भी तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है जिसमें इसराइल पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय के पद छः तक, पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय के छठवें पद तक, पहले भाग में। और इसमें हम लोगों को ये लिखा हुआ मिलेगा कि परमेश्वर ने उनको कहा था कि जब तुम कनान जाओगे तो वहां की सारी जातियों को तुम लोग निकाल दोगे, उन्होंने नहीं निकाला, जो लोग बाद में उनके लिए फंदा बन गए। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन उनको दिया गया था वहां तुम उस देश में, उस प्रतिज्ञा के देश में बसे रहना चाहते हो तो तुमको उनको निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने नहीं निकाला, समझौता कर लिया। उस असफलता को पहले भाग में हम पाएंगे, पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय के छह तक। और उसके दूसरे भाग में हम लोग पाएंगे कि परमेश्वर उनको छुटकारा देता है, तीसरे अध्याय के सातवें पद से लेकर अध्याय 16 तक, तीसरे अध्याय के सातवें पद से अध्याय 16 तक। अब यहां जो कहानी है वो ऐसी है, अब उनका कोई लीडर नहीं है और अन्य जाति लोग बीच बीच में बसे हुए हैं, उनको कहा गया था निकाल देना इन सबको, आउट कर दोगे, उन्होंने आउट नहीं किया है, उनके साथ समझौता करके रह रहे, अब जिसको जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से वे पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ में जा रहे हैं, और जैसे ही खिलाफ में जा रहे हैं वाचा काम कर रही है, यदि तुम मेरी नहीं मानोगे तो ये सारे श्राप तुम पर पूरे होंगे, और तुरंत श्राप उन पर आता है, और फिर उनकी कहानी ऐसी होगी वे पाप करते हैं और गुलामी में चले जाते हैं और फिर दुहाई देते हैं। तब परमेश्वर एक चुनाने वाले न्यायी को भेजता है, अब वो आता है उनको छुड़ाता है, फिर उनके जिंदगी भर, मतलब उस न्यायी के जीते जी वे लोग ठीक बने रहते हैं, फिर जैसे ही न्यायी मर जाता है वे लोग फिर पाप में चले जाते हैं, और पाप में चले जाने के बाद फिर से गुलामी में चले जाते हैं, उसके फिर से पुकारते हैं परमेश्वर को, तब परमेश्वर दूसरा न्यायी भेजता है, दूसरा न्यायी आकर उनको छुड़ाता है और उसके जिंदा रहते वे लोग ठीक रहते हैं, फिर उसके मरते ही फिर से कहानी रिपीट होती, ऐसी कहानी रिपीट होती रहती है न्यायी की पुस्तक। पाप करते हैं,
गुलामी में चले जाते हैं, दुहाई देते हैं, न्यायी आता है छुड़ाता है, न्यायी के जीते जी ठीक रहते हैं, फिर पाप करते हैं, गुलामी में चले जाते हैं, दुहाई देते हैं, न्यायी आता है, फिर न्यायी छुड़ाता है, न्यायी के जीते जी ठीक रहते हैं। ऐसी कहानी चलती रहती है न्यायियों की पुस्तक, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हम लोग अगर प्रभु के लोग हैं, हम लोग लोगों को ऐसे ही बिना लीडर के नहीं छोड़ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि तुम और तुम्हारा परमेश्वर जाओ, काम खत्म हो गया। हम लोग उनको जरूर सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, हम लोग जरूर उनको स्थिति से तैयार करते हैं, लेकिन हम लोग ग्रुप को बिना लीडर के नहीं छोड़ते, क्योंकि तब जिसको जो समझ में आएगा वही करेगा, उसको लीडर देना पड़ता है। और आप जब यहाँ पर वचन सीख रहे हैं तो आप अपने आप को उस रूप में सोचिए कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे कि जो उसका झुंड है मैं उसको संभाल सकूं, क्योंकि वहां संभालने के लिए लीडर्स की जरूरत है। और यहोशू ने इस काम को नहीं किया था जिसके वजह से न्यायियों की पुस्तक आ गई, वहां जो घटनाएं हैं वहां लिखी गई। तो अगर हमारे बाद कोई लीडर नहीं होगा तो स्थिति खराब हो जाएगी, ये सबक हम लोग लेते हैं। इसलिए जब भी आप किसी कोई भी सेवकाई करें, कोई भी काम करें, तो इस सबक को अपने लिए लीजिए कि आप ये मत सोचिए कि मैं अपना काम करूं, मैं चला जाऊं, फिर बाकी अपना समझते रहूं। नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो हमने बहुत भारी गलती की, हम अपने बाद के लिए तैयार कर देते हैं। अगर हमको वहां से जाना है तो छोड़ने से पहले हम वहां किसी को तैयार कर देते हैं, ताकि हमारे जाने के बाद वो अस्त व्यस्त ना हो जाए, हम किसी को हैंड ओवर करके जाएंगे, क्योंकि जो काम था वो परमेश्वर का था, सुरक्षित रहना चाहिए। यह उनकी पुस्तक इसी रीति से चलती है और समाप्त होती है। अच्छा, ये दूसरा भाग था। अब तीसरा भाग जो है अध्याय 17 से लेकर 21 तक, तीसरा भाग अध्याय 17 से लेकर 21 तक चला जाता है आखिरी तक, और इसमें इज़राइल की नैतिक असफलता के विषय में लिखा गया कि किस प्रकार जब परमेश्वर के वचन को लोग नहीं जान रहे थे, उनका लीडर नहीं होता था, तब किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन बिताया। जो घटना सदोम और अमोरा में हो रही थी अब इज़राइल के अंदर में होने लगी, वो सारी बातें वहाँ पर लिखी, वे लोग किस प्रकार परमेश्वर को छोड़कर भटक गए, वो सब कुछ वहाँ पर है। न्यायों की पुस्तक के बाद में एक छोटी सी पुस्तक आएगी बाइबल में, जो है रूत की पुस्तक। रूत की पुस्तक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बाइबल में शुरू से आप देखें, सबसे पहले संदर्भ के रूप में समझना चाहते हैं तो रूत की पुस्तक पढ़िए। छोटी पुस्तक होगी, थोड़े अध्याय होंगे, एक सिटिंग में बैठ करके आप पढ़ सकते हैं, आपको सारा संदर्भ पूरा पूरा दिखाई देने लगेगा। ये घटना हो रही थी, ये कहानी चल रही थी, ऐसे शुरू हुई, ऐसे समाप्त हुई, ये आपको मिलेगी। तो रूत की पुस्तक, तो रूत की जो पुस्तक है इसको हम लोग इस प्रकार से उसकी कहानी बता सकते हैं कि इज़राइल के देश में अकाल पड़ता है और लोग दुखदाई जीवन व्यतीत करते हैं, तो इज़राइल से कुछ लोग जिसमें नौमी रहती है अपने पति और बच्चों के साथ मुआब के देश में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उसके बाल बच्चे मर जाते हैं, उसके दोनों बेटे मर जाते हैं और उसका पति भी मर जाता है। बेटे जो थे वे शादीशुदा थे, तो एक बेटे की पत्नी का नाम रूथ है और दूसरी बेटी की पत्नी का नाम क्या है, इसको याद है, ओर्पा, ओर्पा, ठीक। तो दोनों बहुएं वहां पर रहती हैं और सास, सास और बहू की कहानी चली कि वहां पर, तो सास जिंदा रह जाती है, उसका पति मर गया है, उसके बेटे मर गए हैं, बहुएं रह गई। बहुओं को ऑफर दिया जाता है कि तुम लोग तो जवान ही हो, है ना, शादी हुई ही थी कि तुम्हारे पति मर गए, तो तुम लोग लौट जाओ, अपने देश को लौट जाओ, मैं भी अपने देश को लौट जाती हूँ। तो जो ओर्पा थी वो लौटने को राजी हो जाती है, लेकिन रूथ, जो जो रूथ थी वो नौमी को चुन लेती है, वो कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगा। फिर वो नौमी के साथ में लौट आती है, और जब वो अपने देश को लौट आती है तो उनकी जो जमीन थी वो बंधक में चली गई थी, और उनको छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी के रूप में बोआज था, तो उन्होंने बोआज का सहारा लिया ताकि बोआज उनके जमीनों को वापस छुड़ा करके उनको दे। और नौमी देखती है कि मेरी बहू रूथ जब मेरे लिए इतना कर रही है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं रूथ के लिए कुछ करूं। अब उसने सोचा कि अगर रूथ का ब्याह नौमी के बोआज के साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा, और आखिरकार सारे प्रयास से रूथ का विवाह बोआज के साथ में हो जाता है। नॉर्मल सी कहानी, लेकिन आपको लगेगा कि इससे
यीशु मसीह का क्या संबंध, इससे हमारे आत्मिक जीवन का क्या संबंध? लेकिन गहरा संबंध, क्योंकि जब रूथ का विवाह बोअज से हो जाता है तब उनके एक बेटा उत्पन्न होता है जिसका नाम रखते हैं ओबेद, और इसी ओबेद का एक बेटा होता है जिसको हम कहते हैं यिशै, और इसी यिशै का एक बेटा होता है जिसको कहते हैं हम दाऊद, और इसी दाऊद के वंश से यीशु मसीह आया। हालेलुया। तो ये जो रूथ थी, जो अन्य जाति स्त्री थी, उसने जब नौमी को चुन लिया, उसके साथ में चली आई, तो वो यीशु मसीह की पूर्वज होने का दर्जा प्राप्त करती है। यीशु मसीह की जो वंशावली है नए नियम में, उसमें आपको रूथ का नाम भी मिलेगा। आमतौर पर वंशावली में पुरुषों का नाम लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ है, रेयरली कहीं पर स्त्री का नाम लिखा हुआ मिलेगा, मुश्किल से चार बार उसमें से रूथ का नाम मिला। तो ये रूथ वो स्त्री है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि यीशु मसीह को इस धरती पर लेकर आए। वो कहानी वहां पर है, उसको आप दूसरे ढंग से भी पढ़ करके देख सकते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें आ जाएंगी, जो शमूएल की पुस्तकों से आरंभ होकर इतिहास की पुस्तक तक जाएंगी। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, फिर पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। इनका सारांश मैं आपको बता देता हूं। तो जो शमूएल की पुस्तक है, इसको इसकी कहानी पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा, और उसके बाद हम लोग इसको तीन भाग में बांट करके हम लोग अलग अलग नोट करेंगे। न्यायों की पुस्तक समाप्त हो गई है, न्यायी लोग मर चुके हैं और इसराइलियों में कोई लीडर नहीं है, और ऐसी अवस्था में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शमूएल। अब ये जो शमूएल रहता है, परमेश्वर का बुलाया हुआ जन रहता है, और वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता होता है, और परमेश्वर उससे जो कुछ भी बातचीत करना होता था करता था। और इसराइल के लोग जो है वो शिकायत करने लगे कि हमारा कोई लीडर नहीं है, तो शमूएल हमारे लिए कोई लीडर नियुक्त कर दे, तू तो भविष्यवक्ता है, तो अच्छा न्याय कर रहा है, लेकिन हमारे लिए कोई राजा होना चाहिए। तो वे लोग प्रार्थना लेकर के शमूएल के पास में आते हैं, और आखिरकार शमूएल भी उनकी बातों को सुनता है और उनके लिए एक राजा नियुक्त कर देता है। तो जो पहला राजा नियुक्त किया गया इसराइल का, उस राजा का नाम हुआ शाऊल। और शाऊल जब राजा बना तो वो परमेश्वर के नियम और शर्तों के अधीन बना कि अगर वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा तो परमेश्वर उसके जगह किसी दूसरे को ले आएगा, और ऐसा ही हुआ। शाऊल ने परमेश्वर को अप्रसन्न किया तो उसके जगह पर दाऊद को चुना गया। और शमूएल पहले तो शाऊल का अभिषेक किया था राजा होने के लिए, शाऊल राजा बन भी गया, बाद में दाऊद का अभिषेक कर दिया गया, और दाऊद की जिंदगी और उसके पूरे संघर्ष को बाकी की पुस्तकों में लिखा गया। बाद में शाऊल को मालूम हो जाता है कि ये जो दाऊद है वो तो बहुत फेमस हो रहा है, गोलियत को मार देता है, तो सबको उसके लिए गीत गाते हैं, स्त्रियां खास तौर से गा रही हैं, शाऊल ने तो हजारों को मारा है, दाऊद ने तो लाखों को मारा है ना, वो स्त्रियों का गीत उसको ज्यादा जलन पैदा करता है। और फिर वो दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। दाऊद का भी अभिषेक शमूएल ने किया है, शाऊल का भी अभिषेक शमूएल ने किया है, लेकिन जो शाऊल था वो अपने पाप के कारण आशीष खो रहा है, लेकिन जो दाऊद है वो शाऊल के जगह पर राजा होने के लिए चुना गया। अब शाऊल दाऊद का पीछा करता है, उसको जान से मारने की कोशिश करता है, और उस बीच दाऊद भागता है, फिरता है जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, नगरों में, सुरक्षित रहता है, और आगे चलकर एक दिन वो इज़राइल का राजा हो जाता है। ये कहानी हमको पहला शमूएल और दूसरे शमूएल की पुस्तक में मिलेगी। उससे हम लोगों को ये सीखने के लिए मिलेगा कि जब परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है किसी बात के लिए, तो वो उद्देश्य बना रहता है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेगा। जैसे दाऊद को राजा ना बन पाए, उसको जान से मारने के लिए पीछे पड़ेगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं तो वो उद्देश्य जरूर पूरा होता है। ये शमूएल की पूरी पुस्तक की कहानी। तो हम लोग पहला शमूएल की पुस्तक को तीन भाग में बांट सकते हैं। उसमें पहला भाग में हम लोग शमूएल के विषय पाएंगे और एली याजक के विषय पाएंगे, जो अध्याय एक से लेकर अध्याय सात तक है, और उसके बाद दूसरे भाग में हम लोग शमूएल और शाऊल के विषय पाएंगे, जो अध्याय आठ से लेकर पंद्रह तक है।
और उसके बाद तीसरे भाग में हम लोग शाउल और दाऊद के विषय पाएंगे जो अध्याय 16 से लेकर अध्याय 31 तक है। पूरी कहानी को मैंने सारांश के रूप में बता दिया, बाकी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। तीन भाग है ना, एली और शमूएल, फिर शमूएल और शाउल, फिर तीसरा है शाउल और दाऊद। अब दूसरा शमूएल की पुस्तक, दूसरा शमूएल की जो पुस्तक है वो दाऊद के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है दाऊद की सफलता, पहले अध्याय से लेकर दसवें अध्याय तक, जिसमें दाऊद जो है जंगलों में मारा मारा फिरा, भागा भागा फिरा, और आखिरकार लोगों के बीच में वो राजा बन करके उभर पाता है। शाऊल की मृत्यु हो जाती है और दाऊद राजा बन करके उभर जाता है, ये पहले भाग में हमको मिलेगा। शाऊल दाऊद किस प्रकार से लोगों पर विजय हासिल करता चला गया और एक लोकप्रिय राजा के रूप में स्थापित हो गया। शाऊल ने तो ठीक नहीं किया था राजा के काम पद में रहते हुए, उसके जगह दाऊद को डाल दिया गया, तो दाऊद ने अपना काम अच्छे ढंग से किया और लोकप्रिय राजा बन गया। और जो दूसरा भाग है उसमें दाऊद के संघर्षों का वर्णन किया गया है, अध्याय 11 से लेकर अध्याय 24 तक, अध्याय 11 से लेकर अध्याय 24 तक, जहां पर दाऊद संघर्ष करता है बहुत सारी बातों से। वो व्यभिचार में पड़ जाता है, दाऊद के परिवार में समस्याएं आ जाती है, दाऊद के विरुद्ध में लोग राजद्रोह करने लगते हैं, दाऊद जनगणना करवाता है जिसका फल वो भोगता है, वो सब हम लोग दूसरे शमूएल की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। और दूसरा शमूएल की पुस्तक के बाद है राजाओं की पुस्तक। ये राजाओं की पुस्तक भी दो भाग में है, पहले भाग में पहला राजा, दूसरा राजा, ठीक है। तो जो राजाओं की पुस्तक है उसका सारांश मैं आपको बता देता हूं। इज़राइल के तीन राजा हुए शुरू में, पहला था शाऊल, उसके बाद है दाऊद, फिर दाऊद के बाद सुलेमान, ठीक है। हम लोग जानते हैं तीनों ने 40-40 साल राज किया, तो पूरे इज़राइल के ये तीन राजा थे। लेकिन सुलेमान के मरने के बाद जो इज़राइल का राज्य था वो दो भाग में बट गया, एक जो उत्तर की तरफ था और एक जो दक्षिण की तरफ था। जो उत्तर की तरफ राज्य था उसको इज़राइल कहा गया, उसकी राजधानी शोमरोन हो गई, और जो दक्षिण की तरफ राज्य था उसको यहूदा कहा गया, उसकी राजधानी यरूशलेम हो गई। दो टुकड़े में बट गया। और सुलेमान के बाद में यहूदा का जो राजा हुआ वो रहुबियाम हुआ, और इज़राइल का जो राजा हुआ वो यरोबाम हुआ। तो अगर आपके पास में BSI बाइबल है तो आप राजाओं की पुस्तक में कई बार हेडिंग लिखा हुआ पाएंगे, यहूदा का राजा फलाना, यहूदा का राजा फलाना, कई बार लिखा हुआ पाएंगे इज़राइल का राजा फलाना, इज़राइल का राजा फलाना। तो उसका मतलब ये है कि एक बार वो उत्तरी राज्य में जो राजा है उसके बारे में बता रहे हैं, और एक बार वो दक्षिणी राज्य में जो राजा है उसके बारे में बता रहे हैं। दोनों राजाओं के समय में क्या, दोनों राज्य के समय में क्या क्या होता रहा, कौन कौन राजा आते गए मरते गए, उस राजा के बाद कौन राजा हुआ, वो वर्णन आपको पूरा मिलेगा। तो जो पहला राजा की पुस्तक है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग है संयुक्त राज्य, जिसमें कोई विभाजन नहीं है, संयुक्त राज्य पहले अध्याय से लेकर अध्याय 11 तक, जिसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि सुलेमान राजा बन जाता है, सुलेमान को बुद्धि दी जाती है, सुलेमान मंदिर बनवाता है, और सुलेमान का वैभव का वर्णन किया गया है, और आखिरकार सुलेमान का पतन हो जाता है। ये पहले भाग में है संयुक्त राज्य, पहले अध्याय से लेकर अध्याय 11 तक। फिर दूसरे भाग अध्याय 12 से लेकर 22 तक, जिसको हम कह सकते हैं विभाजित राज्य, जब राज्य दो टुकड़ों में बट गया, जहां पर हम लोग पाएंगे उत्तरी गोत्र विद्रोह कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो राजा है वो दो अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं, एक इज़राइल का राजा होता है, एक यहूदा का राजा होता है। अब ये जो इज़राइल और यहूदा है, इसमें समझने की बात है कि जो उत्तरी राज्य इज़राइल है उसमें 10 गोत्र के लोग हैं, क्योंकि यहोशू के समय में बंटवारा हुआ था, गोत्रों में बंटवारा हुआ था, दान का गोत्र, रूबेन का गोत्र, आशेर का गोत्र, ऐसे करते हुए। तो उत्तरी राज्य में वो ज्यादा बड़ा है, उसमें 10 गोत्र के लोग हैं, और जो दक्षिणी राज्य है उसमें 2 गोत्र के लोग हैं, दक्षिण में है बिन्यामीन और यहूदा, ठीक है, और उत्तरी में बाकी सारे। और जो लेवी है, लेवी जो गोत्र के थे उनकी कोई खास जमीन नहीं थी कि इस पोर्शन में रह गए, लेवी हर तरफ थे,
तो लेवी उत्तरी राज्य में भी थे, लेवी दक्षिणी राज्य में भी थे। तो उत्तरी राज्य के राजा अलग हुए, दक्षिणी राज्य के राजा अलग हुए। आप फिर उन राजाओं के विषय में आप लिखा हो पाएंगे, कभी भी आप राजाओं के विषय में पढ़े राजाओं की पुस्तक में, तो आप ये लिखा हो पाएंगे कि फलाना 8 वर्ष की उम्र से राज्य करने लगा, उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के अनुसार नहीं राज्य किया, वो यरोबाम के समान चला, या वो फिर वो दाऊद के समान अच्छा किया या बुरा किया, उसके कामों का वर्णन मिलेगा। तो जब भी आप राजाओं की पुस्तक पढ़ें तो इस बात को ध्यान रखें कि क्यों इतना डिटेल दिया गया। यहाँ तक कि शमूएल की पुस्तक से ही राजाओं का वर्णन होना शुरू हो जाता है। राजाओं की पुस्तक में राजाओं का इतना डिटेल इतिहास और वंशावली मिलेगा, इतिहास की पुस्तक में भी ऐसे मिलेगा। क्यों भाई इतना क्यों लिखवाया परमेश्वर ने वहाँ? वो इसलिए कि वहाँ से भी हम कुछ सबक ले सकते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, प्रचुरता से पाते हैं, रोमी 5:17 में, वे यीशु मसीह के द्वारा जीवन में अवश्य ही राज्य करेंगे। हमारे लिए लिखा गया कि हम लोग जो धर्मी ठहराए गए हैं, हम लोग यीशु मसीह के द्वारा जीवन में अवश्य ही राज्य करेंगे। तो हम लोग भी राज्य करने वाले हैं, हम लोग भी राजा ही हैं। अब अगर उन राजाओं के बारे में लिखा गया कि वे लोग उसने अच्छा राज्य किया, उसने अच्छा राज्य नहीं किया, तो हमारे लिए भी ये देखा जा सकता है कि हमने किस प्रकार राज्य किया, या राज्य किया भी या नहीं किया, ठीक है? तो हम लोग वहां से सबक ले सकते हैं। लेकिन वहां जब भी आप देखें तो वे पुरानी वाचा के तहत थे, तो पुरानी वाचा के तहत जब वे गलती करते थे तो दंड पाते थे, जब वे अच्छा करते थे तो आशीष पाते थे। हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे तो नई वाचा से अपने आप को देखेंगे कि जो हमको नई वाचा में दिया गया हम उसको लेकर के राज्य कर पा रहे हैं, या फिर कोई और व्यक्ति हमारे ऊपर राज्य किया हुआ है, या फिर कोई और समस्या ये शैतान हमारे ऊपर राज्य किया हुआ है। तो हम लोग वहां से सबक ले सकते हैं। फिर हम लोग पाएंगे कि कोई तो 8 साल का था उस समय से राज्य कर रहा था, कोई तो 12 साल का था उस समय से राज्य कर रहा था। मतलब शारीरिक रूप से भी जब 8 साल से राज्य कर सकता है, तो हम लोग आत्मिक रूप में हम लोग क्यों नहीं राज्य कर सकते? मैं समझता हूँ यहाँ से कोई 8 साल से ज्यादा की है ना, और वो 8 साल की उम्र से राज्य कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं राज्य कर सकते? हम लोग कर सकते हैं, हम लोग वो शिक्षा यहाँ से ले सकते हैं राजाओं की पुस्तक से। तो पहला राजा की पुस्तक समाप्त हुई। अब दूसरा राजा की पुस्तक, जो दूसरा राजा की पुस्तक है उसको भी हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें हम लोग विभाजित राज्य पहला भाग अध्याय 1 से लेकर अध्याय 17 तक, जिसमें कभी इसराइल के राजाओं का वर्णन मिलेगा, कभी यहूदा के राजाओं का वर्णन मिलेगा। और उसमें हमें भविष्यवक्ता एलीशा के विषय में भी लिखा हुआ मिलेगा। और उसका दूसरा भाग जो होगा वो बचा हुआ राज्य, जो अध्याय 18 से लेकर 25 पद तक, जिसमें यहूदा के राजाओं का वर्णन मिलेगा, और हमें ये मिलेगा कि किस प्रकार जो दक्षिणी राज्य था वो गुलामी में चला गया। अगर हम लोग जरा सा बाइबल निकाल कर देखें, अध्याय 17 निकालिए, दूसरा राजा की पुस्तक, ये इतिहास समझना हमारे लिए काफी फायदेमंद है बाइबल समझने के लिए। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 17, अगर आपको यहाँ पर मैं सारी बातों को नहीं पढ़ूंगा, जो हेडिंग यहाँ पर दिए गए मैं बस उनको पढ़ रहा हूँ। अध्याय 17 के ऊपर में लिखा है इसराइल का राजा होशे, फिर नीचे में एक हेडिंग है सामरिया का पतन, फिर पद 24 के ऊपर में हेडिंग है इसराइल के देश में अन्य जातियों का बसाया जाना। यही 3 हेडिंग है अध्याय 17। तो मुख्य रूप से ये हुआ, उत्तरी राज्य इसराइल, दक्षिणी राज्य यहूदा। तो जो उत्तरी राज्य थे उसके राजा अलग अलग हुए, तो जो सबसे आखिरी राजा हुआ उसका नाम है होशे, ठीक है, होशे राजा हुआ। अब जब उत्तरी राज्य में रहने वाले लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, पहले तो परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भी उनको चिताया, नहीं समझे, तब आखिरकार अश्शूर आता है। अश्शूर अर्थात पड़ोसी देश, अश्शूर के लोग आते हैं, अश्शूर का राजा आता है, और जो उत्तरी राज्य इसराइल है उसको गुलाम बनाकर ले जाता है, वहां के लोगों को निर्वासित करके ले जाता है, और उस जगह पर अन्य जाति लोगों को बसा दिया जाता है। तो पहले जो उत्तरी राज्य है वो गुलामी में चला गया। अब जो दक्षिणी राज्य है उसको तो सबक ले लेना चाहिए,
कि हमारा उत्तरी राज्य इसराइल गुलामी में चला गया, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। लेकिन वे लोग कोई सबक नहीं लेते हैं और वे लोग गलती पर गलती करते चले जाते हैं। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनसे बातें करता है, यहाँ तक कि आखिरी में यिर्मयाह भी आता है और उनको चिताता है, लेकिन वे लोग नहीं समझते, नहीं सुधरते। तब आखिरकार जो दक्षिणी राज्य होता है वो भी गुलाम बना लिया जाता है बेबीलोन के द्वारा, और उनको गुलाम बनाकर बेबीलोन पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो जो दूसरा राजा की पुस्तक है वो हमको ये बताया कि पहले तो उत्तरी राज्य गुलाम बनकर अश्शूर के हाथों चला गया, फिर दक्षिणी राज्य लगभग 100 सालों के बाद दक्षिणी राज्य गुलाम बनकर बेबीलोन के हाथों चला गया। ऐसा करके पुस्तक समाप्त हो जाती है, दूसरे राजा की पुस्तक। अब उसके बाद इतिहास की पुस्तक मिलेगी। जो इतिहास की पुस्तक है वो इन्हीं सेम चीजों का रिपीटेशन है। हम लोग पहला इतिहास दूसरा इतिहास जरा सा देखें, उसके बाद हम लोग आज समाप्त करेंगे। जो पहला इतिहास है उसको भी दो भाग में बांट सकते हैं, जिसमें हम लोग पहले भाग में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक रख सकते हैं, जिसमें इसराइलियों की वंशावली का वर्णन है। पहला भाग में इसराइलियों की वंशावली का वर्णन है अध्याय 1 से लेकर 9, और अध्याय 10 से लेकर 29 तक आखिरी तक उसमें दाऊद के राजा बनने का वर्णन है। दाऊद का राज्य दूसरे भाग में है, जिसमें कि दाऊद राजा बन जाता है, वाचा का संदूक शीलो से वापस यरूशलेम को लाया जाता है, दाऊद सैनिकों के द्वारा सफलता प्राप्त करता है और मंदिर बनाने की तैयारी करता है। पहले इतिहास की पुस्तक समाप्त हो जाती है। दूसरा इतिहास की जो पुस्तक है उसको भी दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग जिसमें सुलेमान का राज्य है अध्याय 1 से लेकर 9 तक, सुलेमान के राज्य के विषय में है, जिसमें सुलेमान बुद्धि मांगता है, सुलेमान मंदिर बनाता है, मंदिर का समर्पण करता है, सुलेमान को धन और बुद्धि दी जाती है। और उसका दूसरा भाग यहूदा का राज्य, जिसमें अध्याय 10 से लेकर 36 तक, इसमें मुख्य रूप से जो यहूदा का राज्य, इसराइल का राज्य पर कम जोर दिया जाता है, यहूदा पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और यहूदा के जो लोग हैं वे लोग गुलाम बनकर चले जाते हैं, उसका वर्णन करते हुए पुस्तक समाप्त हो जाती है। तो हम लोगों ने उत्पत्ति से लेकर के इतिहास की दूसरी पुस्तक तक हम लोगों ने देख लिया, सारांश हमने देख लिया। अब कहानी को अगर आप जरा सा सोचिए तो इंटरेस्टिंग लगेगा। हम लोग इसको कई तरीके से लिंक करके देख सकते हैं, सोच सकते हैं, और कहानी हमेशा एक ही टाइप की होगी। पहले तो अदन की वाटिका है, वहां पर आदम और हवा हैं, परमेश्वर हैं, उनके साथ संबंध। फिर वे लोग परमेश्वर को नकार देते हैं और परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट जाता है और उनको वहां से निर्वासित कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है, परमेश्वर से संबंध टूट जाता है। किसी प्रकार रिपेयर करने की कोशिश होती है, परमेश्वर उनको चुनता है, फिर आखिरकार इसराइली उनको चुनता है, कनान का देश उनको प्रतिज्ञा के रूप में देता है, फिर आखिरकार वे जाके मिस्र में गुलाम हो जाते हैं, फिर वहां से लौट करके आते हैं, किसी प्रकार प्रतिज्ञा के देश को अपना करते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर पाप करते हैं किसी और के अधीन आ जाते हैं। अब करते करते वहां राजा भी आ गए, राज्य दो भाग में बंट गया और आखिरकार उत्तरी राज्य भी गुलाम हो गया, दक्षिणी राज्य भी गुलाम हो गया। तो सोचिए इसराइलियों की क्या दशा है। ये पुरानी वाचा के अधीन है, इन लोगों को प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं मिली, प्रतिज्ञा किया हुआ देश मिला, लेकिन वे लोग उसको संभाल करके नहीं रखे और चले गए गुलामी। और इस बीच में हम लोग आने वाले सप्ताह उसको देखेंगे, बहुत सारे भविष्यवक्ता आए उनको समझाने के लिए, सुधारने के लिए। तो उसमें आपको लास्ट के 3 भविष्यवक्ताओं को अगर आप छोड़ दें, मलाकी और हग्गे और जकरिया, इन 3 भविष्यवक्ताओं को छोड़ दें, तो जो बाकी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं वो सब इसराइल के गुलाम होने से पहले की भविष्यवक्ता है। तो जो भविष्यवक्ता जैसे यशया है, यिर्मयाह है, यहेजकेल है, दानियल है, होशे है, वगैरह वगैरह, जितने भविष्यवक्ता होते हग्गे, जकरिया और मलाकी को छोड़कर, ये भविष्यवक्ता समय समय पर इसराइल में प्रकट होते थे और लोगों को चेतावनी देते थे और कहते थे कि तुम लोग ये पाप कर रहे हो, सुधर जाओ, नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक आता दूसरा जाता, लेकिन लोग नहीं मानते और आखिरकार वे लोग गुलामी में चले गए।
गुलामी में चले गए, सारी आशीषों को उन्होंने खो दिया। अब सोचिए उस प्रतिज्ञा का क्या हो रहा है, जब परमेश्वर ने कहा कि स्त्री के वंश से वो व्यक्ति उत्पन्न होगा जो सांप के सिर को कुचलेगा। जो वंश यीशु मसीह को लाने के लिए ठहराया गया है वो वंश तो खुद गुलाम हो गया, उनकी दशा कितनी खराब है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा उनके बीच से पूरी करता है, उन लोगों को वापस गुलामी से लौटा ले आता है। इसको हम लोग आने वाले सप्ताह में देखें। कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, कोई सवाल उठा सकता है कि पुराने नियम में परमेश्वर इसराइलियों को इतना खूंखार होने के लिए क्यों कहा था, क्यों कई बार उसने कह दिया कि उनको मार डालना, बच्चों को भी मत छोड़ना, ये भी मत, बहुत सारी चीज़ें इस पर, तलवार उठाओ वगैरह। नए नियम में तो वैसा नहीं पाते हैं, तो क्या परमेश्वर बदल जाता है, पुराने नियम में अलग व्यवहार करें, नए नियम में अलग व्यवहार करें? नहीं, वैसा कारण नहीं। मूल कारण ये है कि जो जाति इसराइलियों की थी उसको सुरक्षित रहना था, सुरक्षित रहने के लिए उनको तलवार उठाना भी पड़े तो तलवार उठा सकते थे। क्यों सुरक्षित रहना था? क्योंकि वही जाति एक दिन यीशु मसीह को संसार में लेकर आएगी प्रतिज्ञा के अनुसार, और जब तक यीशु मसीह नहीं आया है तो क्या इसराइली, क्या सारे लोग परमेश्वर की दृष्टि में पापी ही हैं, उनके साथ वो संबंध नहीं हो सकता है। और अन्य जातियों के साथ तो ऐसे भी संबंध नहीं है, तो अन्य जाति जिंदा रह के भी वही हालत है, मर के भी वही हालत है, लेकिन अगर इसराइल नष्ट हो जाए तो मसीहा आएगा कैसे? इसलिए तलवार उठाने के लिए परमिशन दी गई, उनको आक्रमण करने के लिए भी कहा गया, ताकि तुम अपने को सुरक्षित रखो और एक दिन मसीह को ला सको। और जब मसीह आ गया उसके बाद तलवार उठाने की जरूरत नहीं। अब जब मसीह आ गया, वो पहले तो इसराइल के लिए आया, फिर वो अन्य जातियों के लिए भी आया, अब सारे लोगों के लिए द्वार खुल गया, अब सारे के सारे परमेश्वर के साथ संबंध में आ सकते हैं और उसकी उपस्थिति, उसकी भरपूरी को ले सकते हैं। उसके पहले तक सब अपने बलबूते पर जी रहे हैं, अपने तरीके से सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं हाँ परमेश्वर हमारे साथ है, अपने अपने देवता बना कर रखे हैं, लेकिन जो वास्तविक संबंध है वो नहीं था। यीशु मसीह के आने के बाद वो वास्तविक संबंध स्थापित किया गया। हम लोग उसको जब नए नियम की पुस्तकों को देखेंगे तब हम लोग पहुँचेंगे। तो जब आप पुराने नियम की पुस्तकों को पढ़ें तो इन बातों को ध्यान में रखें। हम लोगों ने दूसरा इतिहास तक देखा, उसके बाद एज्रा है, नहेमिया है, एस्तेर है, फिर कविता की पुस्तकें हैं, उसको हम लोग आने वाले समय में देखेंगे, आने वाले सप्ताह में देखेंगे। लेकिन जब आप बाइबल स्टडी करें और आपको ये बातें मालूम रहें तो आपको स्टडी करने में सहूलियत है। कई बार ये ऐसा लगे कि बहुत बोरियत से भरा चीज़ है, लेकिन दरअसल अगर आप गहराई में उतरना चाहते तो बहुत सारी चीज़ें बोरियत से भरी ही होंगी, लेकिन वो चीज़ आपको मदद करेंगी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने में। यही वो बोरियत से भरी बातें थी जिसको मैं जानता हूँ और जिनके बल पर मैं इंटरेस्टिंग मैसेज भी देता हूँ, हालेलुया, जिसको सुन करके आपको अच्छा लगता है कि अरे वाह ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन उसके मूल में कौन सी बात है, यही वो बात है। यह आपको मालूम हो तो आप भी उसी प्रकार से जा सकते हैं। तो परमेश्वर आपकी सहायता करें, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम तेरे वचन में से ऐसी बातों को सीख रहे हैं जो हमें और भी गहरे उतरने में मदद करेंगे। तूने हमें सिखाया है कि हम संदर्भ सहित तेरे वचन की व्याख्या करें, और इस निमित्त तूने उत्पत्ति से लेकर इतिहास की पुस्तकों तक हमें देखने में मदद की, ताकि हम उनको देखें, उनका सारांश हमारे मन में हमेशा बना रहे, और ताकि हम उन पुस्तकों से कभी भी कोई वाक्य पढ़ें तो संदर्भ हमारे सामने खुला हुआ रहे और हम जान सकें कि वहाँ क्या बातें हो रही हैं, किन बातों के बीच में वो बातें कही गई और हम उससे क्या सीख सकते हैं, उससे हम क्या आशीष प्राप्त कर सकते हैं, उसको कैसे अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं। पिता, इन प्रिय लोगों की मदद कीजिए कि वे प्रतिदिन वचन को गहराई से अध्ययन करने पाएँ, उसकी गहराई में उतरने पाएँ और उसकी समझ, पूरी समझ वे प्राप्त करने पाए और वे यीशु मसीह को देख सके, क्योंकि वचन तो यीशु मसीह ही है। हम जब पुराने नियम को पढ़ें तो हम यीशु मसीह को उभरता हुआ देख सके, जो अब तक हमारे सामने वो छुपा हुआ सा था उसको हम उभरते हुए देख सके और स्पष्ट देख सके और नज़दीक से उसको पहचान सके। पिता, हमारी मदद कीजिए ताकि हमारा जीवन छिछला ना रहे, हमारा जीवन ऊपर ऊपर का ना रहे, लेकिन एक गहरा जीवन जिसमें हम पूरी गंभीरता के साथ में आपके साथ में चल सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी मदद करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।